welcome to my class in microsoft excel program there are number of mathematical functions given to us here a list of some of the mathematical function is given to you similarly in the excel program there are number of statistical functions given to us here a list of some of the statistical function is given to you ऑल फंक्शन लिस्टेड हेयर आर डिस्क सेपरेट वीडियो लेक्चर्स इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्टेट्स फंक्शन और मैथ्स फंक्शन की मैं यहां पर दो स्टेट फंक्शन ले रहा हूं परम्यूट एंड परम्यूटेशन ए दीज आर दल फंक्शन उसके बाद मैं दो मैथ्स के फंक्शन को टेकअप करूंगा कॉम्बिन एंड कॉम्बिन ए इन चारों फंक्शंस को हम आपस में कंपेयर करेंगे आइएगा मूव करते हैं इन चारों फंक्शंस के ऊपर इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई वर्क एंड टू सेव टाइम मैंने एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर दिया यहां पर मैं कुछ इनपुट्स को टेकअप करूंगा लेकिन आप नीचे देख सकते हैं इन चारों फंक्शन के पर्पस को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है परम्यूट फंक्शन इट नंबर ऑफ परम्यूटेशंस For a given number of objects that can be selected from the total objects. Similarly, permutation A it returns the number of permutations for a given number of objects that can be selected from the total objects. Then we have combine function. It returns the number of combinations for a given number of items. And the last one is combine A. It returns the number of combinations with repetitions. फॉर ए गिवन नंबर ऑफ आइटम्स इन चारों के पर्पज को मैंने यहां पर आपके सामने डिफाइन कर दिया इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मैं इन चारों फंक्शंस का आपस में कंपैरिजन करूंगा जिसके लिए मैं कुछ इनपुट्स को यहां पर टेक अप कर रहा हूँ ये इनपुट मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेक अप कर रहा हूँ मैंने टू और थ्री लिख दिया इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने फिलहल के जरिए नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया मेरे पास नंबर टू से लेके नंबर टेन तक आ गए नंबर चूजन के केस के अंदर मैं यहां पर नंबर वन ले रहा हूं और यहां पर नंबर टू दोनों को मैं सिलेक्ट करके फिल हैंडल के जरिए नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूं अब मैं इस जगह के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करूंगा सबसे पहले हम परम्यूट फंक्शन को टेकअप करते हैं इको टू परम्यूट पेरेंथीसिस स्टार्ट इट कंटेन्स टू आर्ग्यूमेंट्स नंबर एंड नंबर चूजन हमारे पास नंबर यहाँ पर टू दिया गया है एंड नंबर चूजन इज वन नंबर इज गिवन टू आस इन ए थ्री एंड नंबर चूजन इज गिवन टू अस इन बी थ्री आई क्लोज पेरेंथीसिस आई प्रेस सेंट्रा जैसे ही मैंने एंटरप्रेस किया परम्यूट फंक्शन ने मुझे पूरी की पूरी रेंज के लिए परम्यूटेशंस निकाल के दे दी अब मैं परम्यूटेशन ए के ऊपर आ रहा हूं इक्वल्स टू परम्यूटेशन ए पेरें स्टार्ट स्टूडेंट नोट करेंगे इन चारों फंक्शंस के अंदर दो दो आर्गुमेंट्स हैं और दोनों ही आर्गुमेंट्स सभी के अंदर सेम है नंबर एंड नंबर चूजन दिस इज अवर नंबर विच इज गिवन टू अस इन ए थ्री एंड द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज नंबर चूजन इट इज गिवन टू अस इन बी थ्री क्लोज, आई प्रेस मेरे पास फर्स्ट परमिटेशन ए आ गई मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया मेरे पास डिफरेंट नंबर और नंबर चूजन की परमिटेशन ए आ गई अब मैं मूव कर रहा हूं कॉम्बिन फंक्शन के ऊपर इट गिव्स अस द कॉम्बिनेशन कॉम्बिन पेरेंथीसिस स्टार्ट जैसा कि मैंने कहा था इन चारों फंक्शंस के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं और दोनों आर्ग्यूमेंट सेम है द फर्स्ट वन इज नंबर एंड द सेकेंड वन इज नंबर चूजन सो आई टेक अप द फर्स्ट दैट इज़ नंबर तो मैंने ए थ्री के ऊपर क्लिक कर दिया मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पेरेंथीसिस के अंदर पास हो गया नाफ द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज नंबर चूजन आई क्लिक ओवर दिस वन विच इज गिवन टू मीन बी थ्री आई क्लोज पेरेंथीसिस आई प्रेस एंट्रा कॉम्बिन फंक्शन ने मुझे यहां पर कॉम्बिनेशन निकाल के दे दिए मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया नाउ आई विल टेक अप कॉम्बिन ए विच कंटेन्स द रिपीटिशन ऑल्सो दिस इज इक्वल्स टू कॉम्बिन एंथ स्टार्ट द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर दिस इज माई नंबर गिवन टू मीन ए थ्री द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज नंबर चूजन विच इज गिवन टू मीन सेल बी थ्री सिस आई प्रसेंटर यहां पर कॉम्बिंग ए फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया और मैंने फिलहाल के जरिए इसको नीचे ड्रैकडाउन कर दिया बस स्टूडेंट दिमाग में यह आता है कि ये अलग अलग कैसे काम कर रहे हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या है मैं आपको इसका डिफरेंस क्लियर करने के लिए एक इस चीज की मैं वेरिफिकेशन करूंगा मैं यहाँ पर येलो कलर दे रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर चीज की वेरिफिकेशन करूंगा अब यहां पर आप देखिएगा कि हम वेरिफिकेशन के ऊपर आएंगे डिफरेंट फंक्शन के अंदर ये डिफरेंट परमिटेशन और कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं आइटम्स के अंदर मैं आपको बतला देता हूं हमने तीन आइटम्स को चूज किया ए बी एंड सी यहां पर हमने तीन नंबर को लेना है तो हमने ये तीन आइटम्स दे दी इन तीन आइटम्स के अंदर ए बी सी तीन आइटम्स है और इसके अंदर हमने दो का ग्रुप बनाना है दो के कितने ग्रुप्स बन जाएंगे इन चारों फंक्शन के अंदर हमने इस बात को चेक करना है सो so, मैं परम्यूट फंक्शन के केस के अंदर इनके ग्रुप्स बना रहा हूं दिस इज ए बी ए सी बी सी बी ए सी बी सी ए परम्यूट फंक्शन के अंदर हम ये छह ग्रुप्स बना सकते हैं इनके अलावा कोई ग्रुप नहीं बन सकता लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इनका ऑर्डर चेंज हो गया ए बी की जगह बी ए हो गया परम्यूट फंक्शन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि आप ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं जैसे ही ऑर्डर चेंज किया परम्यूट फंक्शन यह मानता है कि ये एक डिफरेंट ग्रुप है और ए बी डिफरेंट ग्रुप है और बी ए डिफरेंट ग्रुप है आपने ऑर्डर भी चेंज कर दिया तो परम्यूट फंक्शन इसको एक अलग ग्रुप मानेगा नाउ आई मूव ऑन टू परम्यूटेशन ए इस केस के अंदर हमारे पास छह ग्रुप्स तो यही रहेंगे लेकिन परमिटेशन ए हमें अलाउ करता है जो आपको यहाँ पर नंबर दिए गए हैं तीन नंबर हैं उसमें से आपने दो चूज़ करने हैं तो ये दो नंबर रिपीट भी कर सकते हैं तो मेरे पास यहाँ पर रिपीटिशन के अंदर ए ए बी बी और उसके बाद सी सी नंबर अभी आ गया परम्यूट के अंदर हमें छः कम्बिनेशन मिलेंगे और परम्यूटेशन ए के अंदर हमें नाइन कम्बिनेशन मिलेंगे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नाइन कम्बिनेशन हो गया लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्बिन फंक्शन की तो कॉम्बिन फंक्शन ए बी और बी ए को सेम मानता है इसके अंदर ऑर्डर चेंज हो गया तो वो ऑर्डर को नहीं मानता ए बी लिखो या बी ए लिखो कॉम्बिन फंक्शन के अंदर ये बिल्कुल सेम है तो कॉम्बिन फंक्शन हमें सिर्फ इसके अंदर तीन कॉम्बिनेशन ही देगा ए बी बी सी एंड सी ए ये तीन कॉम्बिनेशन ही हमें मिलेंगे अगर मैं यहाँ पर ए सी लिखता हूँ तो कॉम्बिन इसको एक्सेप्ट नहीं करता ए सी और सी ए कॉम्बिन फंक्शन के अंदर सिर्फ इनका ऑर्डर ही तो चेंज है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता सो कॉम्बिन फंक्शन हमें लेस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को निकाल के देता है लेकिन कॉम्बिन ए फंक्शन इन तीन चीज़ों को तो देगा ही देगा इसके साथ हमें यहाँ पर रिपीटिशन भी अलाउड है जब हम रिपीटिशन की बात करते हैं तो रिपीटिशन ए बी बी हमारे पास ये नंबर्स जो नंबर हमने चूज किए हैं ये आपस में रिपीट भी कर सकते हैं सो कॉम्बिन ए हमें इस तरह से ये नंबर्स को निकाल के देगा आप देखिएगा परम्यूट फंक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर सिक्स नंबर आया परम्यूटेशन ए के अंदर हमारे पास नाइन आए तो ये हमारे पास नाइन है कॉम्बिन के अंदर सिंपली हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन आते हैं तो कॉम्बिन फंक्शन ने हमें तीन फंक्शन दिए कॉम्बिन ए के अंदर हमारे पास रिपीटिशन भी अलाउड है तो यहाँ पर सिक्स कॉम्बिनेशन बन गए हमें कॉम्बिन ए फंक्शन ने सिक्स आंसर दिया है स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी इंटरप्रिटेशन से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट का दूर हो सकता है परम्यूट फंक्शन इट गिव्स मी परम्यूटेशंस कॉम्बिन फंक्शन इट गिव्स मी कॉम्बिनेशंस लेकिन कॉम्बिन फंक्शन कॉम्बिनेशंस को बनाते हुए किसी भी ऑर्डर को चेंज नहीं करेगा अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो ये उसको सेम माने का मैं उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन से और इन चार पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव करेगी थैंक यू वेरी मच